हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज की ये वीडियो है उसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि आपके जो लो एंड पीसी है उसमें आप एंड्रॉयड गेम्स, एंड्रॉयड ऐप किस तरीके से चला सकते हैं, और वो भी बिल्कुल कम सीपीयू यूज और बिल्कुल कम जीपीयू और रैम यूज, ये सब बिल्कुल कम रहने वाला है। मतलब कि इतना कि जब आप वीडियो देखते हैं ना, तब जो यूज होता है ना उतना। तो किस तरीके से, तो हम इसमें ये करने वाले हैं कि हम इस तरीके से कान नहीं पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने पहले तो बहुत वीडियो बनाए हैं ओएस के बारे में, मतलब कि जो लो एन एकदम लो एन पीसी के लिए जोरिन ओएस, फिर प्राइम ओएस, जो प्राइम ओएस है वो एंड्रॉयड है, जोरिन ओएस है वो लिनक्स है, ये सारे ओएस के बारे में मैंने पहले बताया ही है कि ये जो सारे ओएस है उसको आप लो एन पीसी में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको विंडो में ही रहना है, बट साथ साथ में आप एंड्रॉयड का मज़ा लेना चाहते हैं विथाउट इम्यूलेटर, क्योंकि इम्यूलेटर है वो बहुत ही, जो लो एंड पीसी होगे ना गाइस उसके लिए कोई भी इम्यूलेटर होगा, मैंने इम्यूलेटर का भी वीडियो बनाया है, ठीक है, लो एंड पीसी के लिए, बट उसकी भी एक सीमा है। बट जो मैं ये बताने वाला हूँ ना आज ट्रिक, इसकी कोई सीमा नहीं है इसमें। मतलब कि रैम तो एकदम यूज़ होने नहीं वाली है, सीपीयू और जीपीयू तो मैंने जैसे बताया आपको कि जो वीडियो में यूज़ होगा ना, जो वीडियो और मूवी देखने में, उतना ही यूज़ होगा। और आप एंड्रॉयड गेम और जो एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशन है उसका मज़ा ले पाएंगे बड़े स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि इस तरीके से नहीं, उल्टी तरीके से हम कान पकड़ेंगे, तो उसका मेरा मतलब था कि हम करेंगे स्क्रीन मिररिंग, और स्क्रीन मिररिंग भी ऐसी, मतलब कि हाई क्वालिटी वाली और बिल्कुल डिले नहीं आने वाली। मतलब कि जैसे मैंने मोबाइल पर टच किया ना, वैसे ही डायरेक्ट वहाँ पे जो परफॉर्म होगा ना, वहीं सीधा आपके जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप में आपको दिखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप मिररिंग कर पाएंगे, उससे आप मोबाइल कंट्रोल कर पाएंगे, और बहुत सारी गेमें ऐसी भी है जिसको आप आपके कीबोर्ड और माउस से कंट्रोल भी कर पाएंगे, ऐसे स्क्रीन मिररिंग। अभी जो सैमसंग डिवाइस है ना गाइस, उसके लिए तो एकदम फ्री और एकदम ईजी वे वाला है, जो है वो है सैमसंग फ्लो, जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है ना उसमें आपको इजीली मिल जाएगा, और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं सैमसंग डिवाइस और दूसरे अदर डिवाइस दोनों के लिए बताने वाला हूँ, लास्ट में बताऊँगा किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है और किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। बट अभी सिर्फ बता रहा हूँ, अभी जो सैमसंग फ्लो, जो सैमसंग फ्लो है वो सिर्फ यहाँ पर सैमसंग के लिए है, दूसरे डिवाइस के लिए नहीं है। इसमें यह भी दिक्कत आ सकती है कि जो सैमसंग डिवाइस है उसको आप केबल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से जाके सैमसंग का जो यूएसबी ड्राइवर है वो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है, तो ये प्रॉब्लम आ रही होगी ना जो केबल से ना कनेक्ट होने वाली, तो वो चली जाएगी। फिर भी अगर नहीं आ रही है तो सैमसंग फ्लो में बहुत से लोग ये पढ़ना भूल जाते हैं और ये एरर आता है, मेरे साथ भी पहले ऐसा हुआ, मैंने जो सैमसंग में जो वार्निंग आ रही थी वो इग्नोर करता रहा और मुझे लगा कि ये क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, बट उसमें जो एरर आती है उसमें ये लिखा आता है कि पहले आपका जो सैमसंग का डिवाइस है उसको आप डिसकनेक्ट कीजिए, और उसके बाद सैमसंग फ्लो है ऑटोमेटिकली उसका डिटेक्ट करके ड्राइवर डाउनलोड करेगा, और उसके बाद फिर से आपको केबल से कनेक्ट करना है। ये ट्रिक अपनाएंगे ना तो आई थिंक 100% तो मैं नहीं कह सकता, बट 99% अगर सैमसंग के कोई भी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही होगी स्क्रीन मिररिंग में केबल से, तो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अभी जो दूसरा तरीका है, मतलब कि अदर डिवाइस के लिए है, उसमें मैं फिर से कहूँगा कि थोड़ा टेढ़ा तरीका है, मतलब कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो उसको थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ेगी। अभी ये कैसा तरीका है भाई, तो क्या है कि गाइस जो स्क्रीन मिररिंग ऐप है ना, जो दूसरे डिवाइस के लिए, वो वैसे तो फ्री में बहुत सारे अवेलेबल है, बट जो वो फ्री वाले हैं ना गाइस, वो क्या है कि इतने अच्छे नहीं हैं, और वो बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा वर्क करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बिल्कुल सीपीयू यूज़ और जीपीयू यूज़ कम रखना है, और मेमोरी, जो मेमोरी का यूज़ है वो भी एकदम ना के बराबर रखना है, ठीक है। तो वो ये दूसरे एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, दूसरे जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं कर पाते स्क्रीन मिररिंग के, जो मैं बताऊँगा उसमें वो पॉसिबल है, बट वो वैसे फ्री नहीं है ऑफिशियली, ठीक है। मतलब कि फ्री है वैसे तो, बट वो फ्री में डाउनलोड करेंगे तो बड़ा सा वाटरमार्क आएगा उसमें, उस कंपनी का क्या नाम है, कुछ क्या उसका एक तो टेढ़ा नाम है, चाइनीज ऐप है तो टेढ़ा नाम है थोड़ा सा, डोंट वॉन्ट ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस एप्लीकेशन का नेम, ठीक है, तो वैसा उसका वाटरमार्क आता है बड़ा सा जब आप स्क्रीन मिररिंग करते हैं तो। बट उसका सॉल्यूशन है कि वो आपको, मैं वैसे तो गाइस ये YouTube पे जो
टर्म एंड कंडीशन है उसके मुताबिक मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका कोई भी मैं वेबसाइट की लिंक भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसके लिए सॉरी गाइस। बट आप अगर थोड़ा सा भी गूगल करने में एक्सपर्ट है और डाउनलोडिंग में एक्सपर्ट है ना गाइस, तो बहुत ही आसानी से ये आपको फ्री में मिल जाने वाला है, ठीक है? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो उस तरीके से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं वैसे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना बताऊंगा आपको, बट मैं जैसे कहा वैसे इसमें आपको थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी है। इसमें भी बहुत ही अच्छे रेजुलेशन में आपको ये सब प्रोवाइड होगा, स्क्रीन मिररिंग, और इसमें भी आप बहुत सी गेमों में कीबोर्ड और माउस से कंट्रोल कर पाएंगे अपने मोबाइल को। और वैसे तो नॉर्मली जो मोबाइल है उसको तो पूरा आप कंट्रोल कर ही पाएंगे कीबोर्ड और माउस से, बट गेमें भी बहुत सारी आप कीबोर्ड और माउस से खेल पाएंगे, और सीपीयू और जीपीयू और रैम यूज बिल्कुल ना के बराबर। तो ये बहुत फायदे वाली चीज़ हो गई। मतलब कि अगर आपका प्रोसेसर एकदम पुराना है, मतलब कि जो लास्ट से लास्ट जो हो सकता है ना वो है, ठीक है, उसमें भी आप बढ़िया गेमें खेल पाएंगे। मतलब कि एक तरीके से ये यही हो गया कि जो आपका मॉनिटर है उसमें बस आप मूवी देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, ये एक तरीके से वही हुआ, ठीक है? तो जो वीडियो और मूवी देखने में जो यूज़ होगा ना, उतना ही यहाँ पे पीसी का यूज़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो सारा प्रोसेसिंग करना है और सारी गेम को जो चलाना है वो तो आपका जो मोबाइल है वो चला रहा है, और सिर्फ आप तो इसमें वीडियो देख पा रहे हैं उसका। तो इस तरीके से आपका जो सीपीयू यूज है वो एकदम कम है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसमें जाना है आपको, इंटरनेट शुरू रखना है, सर्च करना है सैमसंग फ्लो, ठीक है? दो तीन शब्द लिखेंगे सैमसंग के, तभी सैमसंग फ्लो का ऑप्शन जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है आपको। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसमें आपको लॉन्च का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही सैमसंग फ्लो है वो ओपन हो जाएगा। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसको क्लोज कर देता हूँ, और पहले तो मैं सैमसंग फ्लो है उसको भी क्लोज कर देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे इसको पिन कर दूंगा टास्क बार में, ठीक है? अभी पहले हम टास्क मैनेजर ओपन करेंगे और परफॉर्मेंस में जाएंगे, और हम देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मली मतलब कोई भी एप्लीकेशन ऑन नहीं है, फिर भी कितना सीपीयू यूज़, कितना जीपीयू यूज़ या फिर मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रेटिंग है, ठीक है? अभी हम सैमसंग फ्लो ओपन करते हैं, ठीक है? स्टार्ट किया। अभी आपको क्या करना है, जो अपना मोबाइल है आपका, जो भी सैमसंग का डिवाइस है, उसमें आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, और उसमें सर्च करना है आपको सैमसंग फ्लो, और उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल होते ही आपको इसको ओपन कर लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। ये आपका सैमसंग फ्लो मोबाइल में भी डाउनलोड हो गया और ओपन हो गया। अभी क्या करना है आपको, अभी आपको पीसी में स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूएसबी वाला ऑप्शन आ रहा है और ब्लूटूथ और वाईफाई वाला, मतलब कि वायरलेस से करना है तो ब्लूटूथ और वाईफाई से कर सकते हैं, बट हमें कोई भी डिले नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें यूएसबी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? मेरे लैपटॉप से मेरा यूएसबी केबल कनेक्ट है, ओके? तो अभी क्या करना है हमें, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अभी कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, और दोनों में आप देख सकते हैं इस तरीके के कोड आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार डायरेक्टली कनेक्ट ना हो, वहाँ पे ऑप्शन आए कि पहले आपका जो केबल है वो आपने मोबाइल से डिसकनेक्ट कीजिए, क्योंकि जो सैमसंग फ्लो है वो जो भी आपका मोबाइल होगा उसको डिटेक्ट करके उसका ड्राइवर डाउनलोड करेगा, इसलिए पहले आपको केबल डिसकनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तभी आपको केबल डिसकनेक्ट कर देना है, ठीक है? फिर एक बात मैं और भी भूल गया, वो आपको बता देता हूँ। आपको सेटिंग में जाना है मोबाइल में, उसके बाद उसमें आपको बिल्कुल नीचे चले जाना है, सैमसंग के डिवाइस हो गए वो सब में सेम होगा, अबाउट फोन में जाना है, फिर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, बिल्ड नंबर पे 4 से 5 बार टैप करना है तो डेवलपर मोड आपका ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे डेवलपर मोड आ जाएगा, ठीक है? फिर इसमें स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, यूएसबी जो डीबगिंग वाला ऑप्शन है ना उसको ऑन कर देना है, वैसे मेरे में ऑन है बट अगर ऑन नहीं होगा तो उसको आप ऑन कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद ही इसको केबल से कनेक्ट कीजिएगा, तभी ये यहाँ पे सपोर्ट करेगा, ठीक है? एप्लीकेशन तो देख सकते हैं इस तरीके से नंबर आ जाएगा बाद में, तो दोनों में सेम नंबर है वो देख लेना है, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, और इस मॉनिटर में जो ये आपको नंबर दिख रहा है उसमें भी आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट लिखा आ गया। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा जो पीसी है उसमें डिवाइस कनेक्ट का ऑप्शन आ गया। परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि बिल्कुल चेंज नहीं हुए है, हमारा ये एप्लीकेशन ऑन है, फिर भी सीपीयू यूज है वो भी इतना ही है, रैम भी इतना ही यूज हो रहा है, और जीपीयू भी यूज हो रहा है जितना कि कोई भी एप्लीकेशन ऑन नहीं होता है तब विंडो में जो यूज होता है, ठीक है? तो अभी क्या करना है आपको, जो ये वाला ऑप्शन है स्मार्ट व्यू, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। अभी इसमें क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट नाउ, ठीक है? तो इसमें आपको मोबाइल में स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आपको
क्लिक कर देना है। फिर कुछ परमिशन मांगेगा जो कि माइक की होगी, ठीक है, कॉल की होगी, वो सारी तो वो आपको अलाउ कर देनी है। अभी ये क्या हो रहा है कि आपका जो मोबाइल होगा ना उस पे, उस मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट आपके पीसी की स्क्रीन पे सब कुछ मोबाइल का जो आप कंट्रोल कर सकते हो देख सकते हैं। बट अगर आपको मोबाइल में भी देखना है और पीसी में भी देखना है, ठीक है, तो क्या करना है, ये जो मोर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे फोन स्क्रीन है उस पे क्लिक कर देना है। मैं जैसे ही फोन स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल में भी वही स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है, मेरे मोबाइल की स्क्रीन, और वहीं हमारे पीसी में भी दिखेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल डिले नहीं है, सेम टाइम पे हो रहा है। फिर दूसरा सेटिंग ये करना है, इसमें आपको जाना है रेजुलेशन, और रेजुलेशन में हाई वाला जो ऑप्शन है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम यहाँ पे गेम ओपन करेंगे, इसमें फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है फुल स्क्रीन, इसमें हम फुल स्क्रीन कर देंगे। बट मैं यहाँ से जो परफॉर्मेंस वाला जो ऑप्शन है उसको भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लूंगा और आप क्वालिटी देख सकते हैं गाइस, सेम क्वालिटी है, सेम क्वालिटी गाइस। अभी आप कहेंगे कि मैंने टच नहीं किया फिर भी ये कैसे चल पड़ा, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी गेमें ऐसी है कि जो आपके जो भी पीसी डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा ना उसके कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर पाएंगे, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ऐसे मैं राइट और लेफ्ट भी ले सकता हूँ। देखिए मैं ब्रेक भी लगा सकता हूँ, ये मैंने बूस्ट कर दिया और आप रेजुलेशन देख सकते हैं गाइस, सेम है जो मोबाइल में चल रहा है ना वही है। और यहाँ पे सीपीयू यूज और जीपीयू यूज देख सकते हैं आप, बिल्कुल ना के बराबर है, और मेमोरी तो मतलब कि जो रैम है वो तो यूज ही नहीं हो रही है गाइस। ठीक है गाइस, अभी जो दूसरा एप्लीकेशन है जो कि दूसरे डिवाइस है, मतलब कि सैमसंग लगा नहीं है, एमआई का है या फिर पोको है, ठीक है, जैसे कोई भी दूसरी कंपनी का जो मोबाइल है उसके लिए सबसे बेस्ट जो स्क्रीन मिररिंग एप्लीकेशन है वो ये है डोवेन। अभी क्या कहते हैं इसको, वो इसका नाम किस तरीके से लेते हैं वो तो मुझे पता नहीं, डूवेन ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी इसकी मैंने वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वैसे मैंने जैसे आगे बताया वैसे ये फ्री नहीं है, बट इसके कुछ तरीके हैं, मैंने जैसे कहा कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसको टेढ़ा कर दीजिए, मतलब कि आप समझ गए होगे। तो 64 बिट, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमें ये 64 बिट डाउनलोड करना है, और जो जिस तरीके से मैंने ढूंढने को कहा है उसमें भी आपको 64 बिट ढूंढना है, अगर 32 बिट है तो 32 बिट, ठीक है, आपका जो भी विंडो, मतलब कि जो विंडो 10 होगा वो ज़्यादातर 32 बिट नहीं होता है, 64 बिट ही होता है, बट अगर 32 बिट है तो उस तरीके से 32 बिट का आपको ढूंढना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी देता है। अभी इसके मुकाबले दूसरे इतने स्क्रीन मिररिंग ऐप है वो अच्छे नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि जो हमें क्या करना है कि जो सीपीयू और जीपीयू यूज़ है ना वो बिल्कुल कम रखना है, तो एक तो ये सैमसंग फ्लो में पॉसिबल है और ये दूसरा ये जो डाउनलोड हो रहा है ना उसमें पॉसिबल है, ठीक है, इस दोनों में ही ये चीज़ पॉसिबल है, दूसरे जो सारे है उसमें जीपीयू यूज और सीपीयू यूज ज़्यादा हो जाता है और थोड़ी देर के बाद आपकी जो गेम है और रुक रुक के डिस्प्ले में चलने लगती है, इसलिए ये दो ही सबसे बेस्ट है, इसलिए मैंने इसको बताया, वरना फ्री वाले भी आते हैं भाई तो मैं वही नहीं बताता आपको, ये क्यों बताया इसका कोई कारण ही होगा ना। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा इसको इंस्टॉल करने के लिए, फिर से नेक्स्ट पे और इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, और वैसे भी आई थिंक ये चाइनीज ही ऐप है तो इस साले को कोई फ्री में इंस्टॉल करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, दूसरे कोई ऐसे ऐप होते अच्छे तो मैं कहता कि भाई नहीं करना चाहिए, बट ये हमारे वैसे भी हरामी चाइनीज जो चाइना है उसका ही है ये ऐप, तो इसको कोई क्रैक करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैं यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक मैं आपको नहीं बता सकता और नहीं दिखा सकता कि किस तरीके से, वरना वो भी बता देता, ठीक है, बहुत ही आसान है ये समझ लीजिए, मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत ही आसान है इसको उस तरीके से ढूंढने का।
फिर यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे हम। अभी क्या करना है, जाना है आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल में जाना है और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे भी वही नाम सर्च कर देना है। क्या है? DOUWAN वन, डोवन, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। अभी इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड हो गया और मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी इसमें उल्टा है गाइस, मैंने जैसे आपको सैमसंग फ्लो में कहा था कि यूएसबी डीबगिंग आपको ऑन कर देनी है, बट इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको यूएसबी डीबगिंग ऑफ कर देनी है, तभी ये स्क्रीन मिररिंग होगा। ठीक है, तो हम इसको ऑफ कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा केबल है उससे इसको कनेक्ट करेंगे और हमारा वो एप्लीकेशन हम ऑन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो भी मोबाइल है उसका ड्राइवर डिटेक्ट कर रहा है। इसके लिए आपको पहले इंटरनेट से कनेक्ट रखना है, ठीक है, तभी ये एप्लीकेशन ओपन होगा। अभी क्या करना है, आपको आपका एप्लीकेशन है उसको पहले क्लोज कर देना है, पहले जो प्लग है उसको हटा देना है और फिर इसको ओपन कर लेना है और फिर से प्लग इन कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे परमिशन मांग रहा है तो ऑलवेज ओपन करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ओनली दिस टाइम। ओके गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ड्राइवर है वो इंस्टॉल होने आ गया है। आपको पहली बार ऐसा भी हो सकता है कि बंद करके शुरू करके फिर से डेटा केबल कनेक्ट करना पड़े, ठीक है, ऐसा भी प्रॉब्लम पहली बार आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो स्क्रीन है वो मिररिंग होना शुरू हो गया है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीच में वाटरमार्क आता है, तो वो हटाने के लिए सिर्फ आपको करना है जुगाड़, मैंने जैसे बताया। अभी इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, इसमें भी हम एस्पाल्ट ऑन करेंगे। इससे पहले जैसे कहा था कि जो वीडियो में देखने में जितना होता है उतना ही सीपीयू और जीपीयू यूजेज हो रहा है और देख सकते हैं कि मेमोरी तो बिल्कुल यूज नहीं हो रही है। ठीक है, मैं अपना मोबाइल दिखाता ही नहीं हूँ गाइस, अब देख लीजिए कितनी अच्छी क्वालिटी इसमें हो रही है। बस एक ये है कि इसमें कभी कभी आपको मिल जाते हैं जो कीबोर्ड और माउस का सपोर्ट है वो, और बहुत बार नहीं भी मिलते हैं गाइस। क्वालिटी देख लिया, एकदम फाड़ू है, जैसी सैमसंग फ्लो में मिलती थी वैसे ही सेम क्वालिटी मिलती है इसमें आपको। ऐसी अच्छी क्वालिटी दूसरे कोई भी स्क्रीन मिररिंग ऐप नहीं देते फ्री वाले, और सच में गाइस एक मज़ा आ जाता है जो लो एंड पीसी में हम ऐसी गेम में खेल पाते हैं ना। तो नंबर वन आना है गाइस, मतलब कि बिल्कुल डिले नहीं है इसमें भी, आप देख सकते हैं और देख सकते हैं सीपीयू और जीपीयू यूजर्स देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल कम, मतलब कि ना के बराबर। तो गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है गाइस, सब्सक्राइब मारो।